बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन हमारा जायका, आपका मैं खुश आमदीद। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट चाट की रेसिपी। तो मैंने ये बनाया था, बहुत लजीज बनी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये शेयर करूँ ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो सेब लिए हैं, दो जाम और एक अनार, दो ऑरेंज, और ये मैंने कीमियाई डेट सिरप लिया है, और चार मौज और अंगूर। तो सारे फ्रूट्स को मैंने कट कर लिए हैं ऑलरेडी, और एक फ्रेश क्रीम, अमूल का फ्रेश क्रीम है ये, और एक बॉल में ये सारा क्रीम मैं निकाल लूँगी। सारा क्रीम मैंने इस तरह से दबा कर निकाल लिया है, और ये डेट सिरप, किमी डेट सिरप, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसको मिक्स करते ही इसका क्रीम का कलर कितना प्यारा सा आया है, चेंज हो चुका है क्रीम का कलर, और जायका भी इसका बढ़ चुका है। और यहाँ पर मैंने दो चम्मच शुगर ली है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप पाउडर शुगर लेना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मॉस को पहले कट करके मैं क्रीम में ऐड कर दूंगी। मॉस फ्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे मैंने, मॉस नहीं कट किया है, क्योंकि मॉस कट करते ही बहुत जल्द काले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मॉस में, क्रीम में मॉस को ऐड कर रही हूँ, और ये जाम, अंगूर, अंगूर छोटे और बड़े दोनों साइज के हैं, ऑरेंज, अनार, अनार को थोड़े से दाने में बचा लूँगी ताकि गार्निशिंग के लिए काम आ सके। तो ये देखिए मैंने अनार को बचा लिया है कुछ, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर लीजिए, मेरे पास जो अवेलेबल थे वो मैं ऐड करी हूँ। और ये सेब, आधा चम्मच नमक, और एक छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से भी इसका जायका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, फ्रूट क्रीमी फ्रूट चाट बनकर रेडी है, इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्रीमी फ्रूट चाट कैसी लगी ये रेसिपी। रमज़ान की आमद का महीना आमद आमद बहुत जल रहा है, और उसमें किशमिश ऐड करूँगी और बादाम गार्निश के लिए। एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, दुआओं की गुजारिश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।